नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल स्विचबोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड दिया हुआ है। तो इसमें हमने स्विच गियर लगा रखे हैं। इन स्विच गियर को लगाने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी और साथ में वायरिंग करने के लिए भी आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमारे कुछ टूल्स हमने यूज किए हुए हैं। तो यहाँ कुछ स्क्रूड्राइवर, एक टेस्टर दिया हुआ है और एक वायर स्ट्रिपर, इनकी मदद से हम ये सारे स्विच गियर को इस बोर्ड में फिट करेंगे। तो हमने ऑलरेडी इनको इस बोर्ड में फिट कर रखा है। अब हम आपको ये स्विच गियर के बारे में बता देते हैं हमने क्या क्या इस बोर्ड में यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्यूज हमने लगाया हुआ है। तो ये जो फ्यूज है ये हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए रहता है। जो भी हम इसमें इक्विपमेंट यूज करेंगे उसकी सेफ्टी के लिए हमने ये फ्यूज लगा रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर ये सप्लाई को इंडिकेट करेगा कि हमारे इस बोर्ड में सप्लाई आ रही कि नहीं, उसके लिए हमने यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं एक डिमर हमने यूज किया है, जिसे आप वोल्टेज रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। तो इसका हमने एक इस बोर्ड में यूज किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्विचेस हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। 2 स्विचेस यहाँ पे हमने इस 2 सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए यूज किए हैं। यहाँ पे 5 पिन सॉकेट लगे हुए हैं 2। तो इन 2 स्विचेस के द्वारा हम इन इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे जो 3 स्विचेस हमने लगाए हैं, ये इन 3 लैंप को हम इनसे कंट्रोल करेंगे। और ये जो डिमर है, यहाँ पे हमने एक होल्डर लगाया हुआ है। इस होल्डर में हम जो भी लोड लगाएंगे उसको हम इस डिमर के थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो इस बोर्ड को सप्लाई देने के लिए हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड का यूज किया हुआ है। अब हम आपको इस स्विच बोर्ड के बैक साइड में बता देते हैं हमने किस प्रकार से इसमें वायरिंग की हुई है, आपको पूरा समझा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एक स्विच बोर्ड है। बैक साइड का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमने वायरिंग यूज की हुई है। तो हमने किस प्रकार से इस बोर्ड में वायरिंग की है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये एक 3 पिन प्लग है जिसमें हमने 3 वायर यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इसमें एक रेड कलर का, ब्लैक कलर का और हमने ग्रीन कलर का 3 वायर हमने इसमें यूज किए हैं। रेड आपका फेस के लिए यूज किया है हमने, और ब्लैक हमने न्यूट्रल के लिए यूज किया है, और ग्रीन हमने अर्थिंग के लिए यूज किया है। तो ये सप्लाई हमने, सबसे पहले हम आपको फेस वायर को किस प्रकार से हमने कनेक्ट किया है इसके बारे में बता देते हैं। फेस को हमने सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्यूज लगा हुआ है, जिसके ऊपर वाले टॉप वाले टर्मिनल पर हमने फेस का एक वायर कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहां से आप देख सकते हैं फेस का फ्यूज का जो सेकंड वाला टर्मिनल है, वहां से हमने एक वायर लिया हुआ है जो हमारे 5 स्विचेस के नीचे वाले जो टर्मिनल है उन पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो इनको हमने नीचे वाले जो 4 स्विचेस हैं, इनको हमने एक शॉर्ट लिंक से आपस में शॉर्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉपर का हमने एक वायर यूज किया है, सिंगल वायर, जो कि 4 स्विचेस को हमने शॉर्ट कर रखा है, जहां हमने फ्यूज से जो नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर हमने रेड कलर का वायर यहाँ पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। साथ में यहीं से हमने एक ऊपर भी एक स्विच है, उसको भी हमने यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल पे हमने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है एक वायर के थ्रू, रेड वायर के थ्रू। तो फेस हमारा यहाँ से फ्यूज से होके नीचे वाले टर्मिनल से होते हुए ये नीचे वाले जो स्विचेस दिए हुए हैं, 4 स्विच, उनके नीचे वाले टर्मिनल पे फेस आ रहा है। और यहीं से हमने एक शॉर्ट लिंक के थ्रू, एक रेड वायर के थ्रू, ये ऊपर एक जो स्विच दिया हुआ है उसके नीचे वाले टर्मिनल पे भी हमने फेस दिया हुआ है। साथ में हमने यहाँ पर जो एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, उसको ऑपरेट करने के लिए फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर भी हमने जो नीचे जो स्विचेस दिए हुए हैं, उनके जो शॉर्ट लिंक है जहां हमारा फेस आ रहा है, वहीं से हमने एक वायर
इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे हमने इस वायर के थ्रू फेज दिया हुआ है। तो हमारा जो फेज है वो सभी स्विचेस में हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा नीचे जो सॉकेट दिए हुए हैं दो, इनके यहाँ पर लेफ्ट वाले टर्मिनल पर हमने ये जो एक स्विच है, इस स्विच के थ्रू एक रेड वायर के थ्रू इसको फेज दिया हुआ है। और राइट साइड में जो आपका सॉकेट 5 पिन सॉकेट दिख रहा है, इसके भी हमने लेफ्ट वाले टर्मिनल पर इसके बगल वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक रेड कलर के वायर से फेज दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो न्यूट्रल वायर है, ब्लैक वायर, यहां से जो ब्लैक वायर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहां से ये जो ब्लैक वायर आया है, इसको हमने सबसे पहले ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के एक सिरे पर हमने इसको कनेक्ट किया है। एक सिरे पे हमने ऑलरेडी फेज कनेक्ट किया हुआ है, यहां से ये आपका न्यूट्रल हमने एक सिरे पे कनेक्ट किया हुआ है इंडिकेटर में। वहीं से एक हमने एक ब्लैक वायर लिया हुआ है न्यूट्रल का, जो कि राइट सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। वहीं से एक हमने लूप ब्लैक वायर के थ्रू दूसरा वाला जो हमारा सॉकेट है उसके राइट वाले टर्मिनल पे हमने न्यूट्रल दिया हुआ है। और यहीं से हमने एक ब्लैक वायर न्यूट्रल जो है वो इस होल्डर के एक सिरे पे हमने दिया हुआ है। अब इस होल्डर के जो दूसरा वाला टर्मिनल है वहां पे हमने डिमर का एक वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है, और डिमर का जो दूसरा वाला जो टर्मिनल है उसको हमने डायरेक्ट जो हमारा फ्यूज का जो नीचे वाला जो टर्मिनल है उस पे हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। ये जो डिमर है इसमें इनबिल्ट ऑन ऑफ स्विच भी है, ये ऑफ भी हो जाता है और ऑन भी हम इसको कर सकते हैं और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये वायरिंग की हुई है। साथ साथ हमने जो यहाँ पे जो तीन स्विचेस दिए हुए हैं, 1, 2, 3, इन तीनों स्विचेस के जो ऊपर वाले टर्मिनल हैं वहां से, जैसे ये स्विच की हमने ऊपर वाले टर्मिनल से एक होल्डर के एक सिरे पर हमने फेज दिया हुआ है। तो ये हमारा स्विच इस वाले लैंप को, इस होल्डर को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद हमने दूसरे वाला जो स्विचेस है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से हमने ये दूसरे वाले लैंप के एक टर्मिनल पे इस वायर को दिया हुआ है। तो यहां से दूसरा वाला जो स्विच है उससे आपका फेस इस वाले होल्डर में आ रहा है। इसके बाद जो तीसरा वाला जो लैंप है, होल्डर है, उसको हमने ये ऊपर वाला जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से इस होल्डर को हमने फेस दिया हुआ है। तो ये जो तीनों स्विचेस हैं इनके ऊपर वाले टर्मिनल से हमने तीनों होल्डर के एक एक सिरे पे फेस दिया हुआ है, जो कि इन स्विचेस के थ्रू हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो तीनों जो होल्डर हैं उनके जो एक एक टर्मिनल पे हमने शॉर्ट लिंक ब्लैक कलर का वायर हमने एक एक सिरे पे लगा रखा है, ये आपस में शॉर्ट कर रखा है। और यहाँ पर हमने इस ब्लैक कलर के वायर के थ्रू इसको हमने इस होल्डर में कनेक्ट किया हुआ है। तो हमारा जो न्यूट्रल का वायर है वो यहाँ से होता हुआ ये इंडिकेटर के एक सिरे पे आ रहा है, और इंडिकेटर से होता हुआ न्यूट्रल का वायर हमारे एक सॉकेट के एक सिरे पे आ रहा है, और दूसरे वाले सॉकेट के एक सिरे पे न्यूट्रल का एक वायर आ रहा है। और यहीं से हमने इसको एक लूप करके यहां से हमने इस होल्डर के एक सिरे पर हमने ये न्यूट्रल दिया हुआ है, और यहीं से ये ब्लैक वायर के थ्रू हमने ये तीनों होल्डर के एक एक सिरे पर न्यूट्रल दिया हुआ है। तो हमारा जो न्यूट्रल है दोनों सॉकेट के एक एक सिरे पे न्यूट्रल हम दे रहे हैं, और इस होल्डर के एक सिरे पे न्यूट्रल दे रहे हैं, इस इंडिकेटर के एक सिरे पे हम न्यूट्रल दे रहे हैं, और साथ साथ इन तीनों होल्डर के एक एक सिरे पे हमने न्यूट्रल को आपस में शॉर्ट कर रखा है। तो इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल कनेक्ट है। और फेस जो है हमारा, यहां से जो फेस आ रहा है ये सबसे पहले इस फ्यूज पे आता है, फ्यूज से होके ये हमारा नीचे सभी स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल पे हम इस फेस को कनेक्ट करते हैं,
और वहीं से जो हमारा फेस है वो हमने इंडिकेटर के एक सिरे पर भी दिया हुआ है। इसके अलावा सभी स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल से हमने तीनों होल्डर को फेस दे रखा है। और जो हमारा डिमर है, डिमर को हमने डायरेक्ट यहाँ से फ्यूज हमारा जो फ्यूज का फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से हमने डिमर को ये फेस दिया हुआ है। और वहीं से ये जो फेस है वो हमारे इस होल्डर पे आ रहा है डिमर से होता हुआ। और यहाँ पर जो स्विचबोर्ड की वायरिंग में हमने जो ग्रीन वायर का हमने यूज किया है, ये अर्थिंग का वायर है। ये यहाँ पर जो बोर्ड में दो सॉकेट लगे हुए हैं उनके ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने इस ग्रीन वायर को कनेक्ट किया हुआ है। ये अर्थिंग का वायर है, तो यहाँ से ये वायर ये इस फर्स्ट सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने कनेक्ट किया है। यहीं से एक वायर के थ्रू हमने ये दूसरे वाले सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारी और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए हम इस अर्थिंग वायर को यूज करते हैं, ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरी वायरिंग की हुई है। तो सबसे पहले आप जब भी वायरिंग करें तो ध्यान रखें कि फेस जो है हमेशा सबसे पहले फ्यूज को दें, फ्यूज से होके फिर आप बाकी सर्किट में वायरिंग करें। और जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल पर, एक टर्मिनल पे फेस हम देते हैं और दूसरे टर्मिनल पे हम न्यूट्रल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड की वायरिंग की जाती है। अब हम आपको इस सर्किट को टेस्ट करके बता देते हैं कि किस प्रकार से हम इसे चेक करेंगे, ये हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हम इसको वापस पलट लेते हैं। अब हम इसमें सभी होल्डर्स में बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने 100 वाट का बल्ब इस डिमर वाले सॉकेट में लगा दिया है। इसके अलावा हम यहां पर कुछ एक 25 वाट का बल्ब और दो 40 वाट के बल्ब हम इन दो सॉकेट में भी, इन तीनों सॉकेट में भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सारे बल्ब कनेक्ट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने इसमें सारे बल्ब लगा लिए हैं। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। इसके लिए हम 3-पिन प्लग को इस एक्सटेंशन बोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे इस स्विच बोर्ड में इंडिकेटर ग्लो करने लगा है, इस बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है। अब हम आपको एक एक करके सभी स्विचेस ऑन करके बताते हैं और ये बल्ब ग्लो करने चाहिए तो हमारा सर्किट ओके रहेगा। ये एक स्विच, इस स्विच से हमारा ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये एक लोड लगा हुआ है। दूसरे स्विच से दूसरा वाला लोड लगा हुआ है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ये हमारा तीसरा स्विच है, ये हमारा तीसरा बल्ब भी ग्लो करने लगा है। अब हम डिमर का यूज करके आपको बता देते हैं। इसके लिए हम ये स्विचेस को ऑफ कर देते हैं। ये डिमर को हमने ऑन किया हुआ है, ये अभी बिल्कुल लो वोल्टेज पे सेट है। अब हम इसको धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा फुली ग्लो कर रहा है बल्ब। अब हम इसको यहां से डिमर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप चाहें जितना आप इसका लाइट रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये स्विच बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम इन दोनों सॉकेट को भी टेस्ट कर लेते हैं, इनमें सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। इसके लिए सबसे पहले हम फेस टेस्ट कर लेते हैं। इसको हम ऑफ कर देते हैं। आपको यहां पे फेस टेस्ट करके बताते हैं। राइट साइड में आपका फेस आना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो करने लगा है। इसका मतलब इस सॉकेट में सप्लाई आ रही है। अब इस सॉकेट में भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं हमारा टेस्टर
ग्लो कर रहा है, इसका मतलब यहां पर भी सप्लाई आ रही है। अब आपको चार्जर इसमें कनेक्ट करके दिखा देते हैं कि इसका फेस न्यूट्रल दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमने एक चार्जर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है सॉकेट में, अब हम इसको ऑन करके बताते हैं। आप देख सकते हैं इस चार्जर का इंडिकेटर ग्लो करने लगा है। इसके बाद हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब दूसरे वाले सॉकेट को भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमने सॉकेट में चार्जर को लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये चार्जर भी हमारा ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड की वायरिंग की जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।